नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे ऊब छठ की कहानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र भी था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार ने एक बैल के रूप में जन्म लिया और उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में, और ये दोनों अपने ही पुत्र के घर आ गए। बैल से खेतों में हल जुताया जाता और कुतिया घर की रखवाली करती, और रखवाली भी कुछ इस तरह से करती कि किसी को भी खाने के सामान आदि में मुंह नहीं लगाने देती थी। श्राद्ध का दिन था। पुत्र वधु ने बहुत सारे पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक एक चील उड़ती हुई आई और उसके मुंह से मरा हुआ सांप खीर में गिर गया। यह सब होते हुए कुतिया ने देख लिया था। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। बहू घर से बाहर गई हुई थी। जैसे ही बहू अंदर आई तो कुतिया ने बहू को देखकर पकती हुई खीर में मुंह दे दिया ताकि कोई और लोग इसे खा न सके। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से से एक डंडे से उसकी पिटाई कर दी, और पिटाई कुछ इस कदर हो गई कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल के पास गई और बातें करने लगी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ होगा, तुमने पेट भरकर भोजन किया है, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, बदले में मार पड़ी है। बैल ने कहा, मुझे भोजन नहीं मिला है, दिन भर से खेत में काम करता रहा और अब एक जगह भूखा ही बांध दिया है, मुझे भी खाने को कुछ नहीं दिया। कुतिया और बैल को आपस में बातें करते हुए उनके बेटा बहू देख रहे थे। उन्होंने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ है और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसने पंडित जी से अपने माता पिता के उद्धार का कारण पूछा। पंडित जी ने बताया, यदि कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊब छठ का व्रत करे, शाम को नहा धोकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य देकर, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊब छठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य देकर अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया था। हे ऊब छठ माता, जैसा उद्धार इनका किया वैसा आपकी कथा कहने, सुनने और व्रत करने वाले का सबका उद्धार करना, कहानी कहने और सुनने वाले का सबका भला करना। बोलो छठ माता की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।